Thank you.
आगे बताइए उस मंदिर के बारे में, आप बोलिए अपने हिसाब से बताइए कब से है, कब क्या है, क्या क्या किस चीज़ों का मंदिर है। देखिए हम तो यहाँ 5 साल से आए हुए हैं, 5 साल से हम आए हुए हैं, 5.5 साल के बारे में बताएंगे। हाँ बताइए, कोई बात नहीं। तो 5.5 साल के अंदर में मैंने यहाँ जर्जर स्थिति था, अति जर्जर स्थिति था, मैंने देखने लायक नहीं था, शौचालय कहिए था, शौचालय मंदिर नहीं था, शौचालय है ना, लेकिन खैर ठाकुर जी के पास है, के पास है, 5 साल के अंदर में इतना भी बनवाया है कि टोटली हम ठाकुर जी बनवाए हैं। तो खैर ठाकुर जी के पास करने वाले वही कराने वाले वही जो भी है सब वही है ना, क्योंकि ठाकुर जी के पास चल रहा है कलयुग में, अब किस तरह से ले चलेंगे उन्हीं का हाथ में, उन्हीं का जिस तरह से खेल के ले चलेंगे उस तरह से चल रहा है। तो बाकी और क्या मंदिर है, काली का ही मंदिर है, सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, और इसके बाद शंकर जी, अच्छा उसमें गवे किए, वहाँ तीन गो पटरानी है, तीनों लक्ष्मी सरस्वती और महावीर तीनों, और उसके बगल में हो गए राधे कृष्ण दिया मैंने है ना। उसके बाद वहाँ फिर आगे में आगे बढ़िएगा तो वहाँ पर है हनुमान जी। अच्छा अच्छा, खोलो पटना जाओ, पैर पढ़ो, बजरंग बली के यहाँ के बारे में कुछ बताइए मंदिर का। ये प्राचीन है, बहुत दिनों से यहाँ विद्यमान है, लेकिन हमारे हनुमान जी अब यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं, आप पंचमुखी के रूप में आएंगे, कुछ दिन के बाद आपको पंचमुखी के रूप में देखा मिलेगा, ये आगे चल जाएंगे पंचमुख। तो अब इनका समय पूर्ति होने जा रहा है और पंचमुखी रूप में अब बढ़ जाएंगे। अब हमारे ठाकुर जी भी मैंने वहाँ अब देखिए ठाकुर जी के पास कि कब जाते हैं, बन के तैयार है, थोड़ा सा काम रह गया है, अब उसका पूर्ति होगा, फिर ठाकुर जी वहाँ से चल जाएंगे यहाँ पर। Thank you.